आज मैं सुबह से, क्योंकि चुनाव आयोग का विशेष अभियान था और चुनाव का समय है, समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस है कि एक एक व्यक्ति मतदाता बने और मतदाता अपने मत का प्रयोग करके नई सरकार का चयन करे। हम लोग प्रत्येक बूथों पर गए। मैं सुबह से, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सभी बूथों पर जा रहे थे। मैं स्वयं मोटरसाइकिल से तमाम बूथों पर गया। मैं सदर विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर गया, भगवान नगर विधानसभा के कई बूथों पर गया। तो मैंने सदर में बाढ़ चौकी और दो विद्यालय और ऐसे केंद्र पाए गए जिनमें ताला लटका था। समय से पूर्व 3 बजे 3:15 बजे के आसपास वो लोग ताला लगाकर वहां से चले गए थे, जो एक घोर निंदनीय काम है। और एक बूथ पर कहा गया केवल 18 वर्ष के केवल 21 वर्ष के मतदाता ही वोटर बनेंगे और उससे अधिक आयु के लोग, जबकि चुनाव आयोग को कोई ऐसा निर्देश नहीं है। लेकिन खैर, उनके अधिकारियों से वार्ता करके उनमें भी वोट बढ़वाने के लिए हम लोगों ने बात की और वो मतदाता बन सके। तो आज जब विशेष अभियान था, उस समय ऐसे समय में जो निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्रशासन द्वारा जो जिम्मेदार लोग लगाए गए थे बीएलओ के पद पर, उनका ताला लटकना और उनका समय से पहले जाना और जनता के द्वारा शिकायत करना एक निंदनीय कार्य है और निर्वाचन कार्य प्रक्रिया को बाधित करने वाला। विशेष अभियान में तो घर घर लोगों को बुलाकर मतदाता बनाने का कार्यक्रम था, बूथों पर बीएलओ को बैठने का कार्यक्रम था। तो मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की और निवेदन किया है कि उक्त क्षेत्रों के जो फार्म रह गए हों उनको मंगवाकर उनकी सुविधाजनक तरीके से उनको मतदाता बना लें और दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए जिससे निर्वाचन की प्रक्रिया को बाधा न हो।